गुड मॉर्निंग क्लास फाइव। नाउ बेटा ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 52। टुडे यू हैव टू स्टडी अबाउट पास्ट टेंस। ओके, यू हैव रेड अबाउट प्रेजेंट टेंस। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट पास्ट टेंस। बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट इनडेफिनिट टेंस। यू मे ऑल्सो कॉल इट सिंपल पास्ट टेंस। अंडरस्टैंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं? जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, ठीक है, पास्ट में एक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल He ran after the thief. वह चोर के पीछे दौड़ा। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई पास्ट टाइम के हैबिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, दे ग्रू वेजिटेबल्स इन देयर गार्डन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वे गार्डन में वेजिटेबल्स उगाते थे। ये भी मीनिंग निकलेगी कि वे लोग गार्डन में, उन लोगों ने गार्डन में वेजिटेबल उगाया। ओके, और ये भी कि वे गार्डन में वेजिटेबल उगाते थे। दिया है एक्शंस दैट वर हैबिट्स और रूटीन इन द पास्ट। ठीक है, तो यह भी ध्यान देना कि इसमें ऐसे ही सेंटेंस आएंगे जिसमें ये शो किया जाएगा कि वर्क जो है वो कंप्लीटली डन है पास्ट टाइम में। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लुक एट योर बुक बेटा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा। पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि जब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा जो फॉर्म ऑफ वर्ब आपने अभी इसमें भी देखा था, अपनी बुक में भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उसमें फर्स्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का ना, वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, और सेकेंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वह दौड़ा, ही रैन, उसने बॉल पकड़ा, ही कॉट द बॉल, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। और आपको वर्ब के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म लर्न करने ही होंगे, उसके बगैर आप ग्रामर नहीं सीख सकते। इसलिए जो भी लिस्ट फिलहाल आपकी बुक में दी गई है उसको आप जरूर लर्न करें और धीरे धीरे सीखते जाएंगे समय के साथ। तो देखिए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही चीज होती है, यहां एक लिस्ट दी गई है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी लिस्ट है। देखिए, जब पॉजिटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां राइट का सेकंड फॉर्म रोट यूज किया गया है। राइट का फॉर्म ऐसे चलता है, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। अब नेगेटिव में क्या करते हैं बेटा? नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करोगे? डिड नॉट का, यानी डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको लेना होगा इसमें। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जब भी किसी सेंटेंस में डिड आ गया उसके साथ वर्ब का ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म एकदम आएगा बेटा। साथ में ये भी बता दूं, डू डज डिड, डू डज डिड, जिस भी सेंटेंस में आ गया उस सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है।
डिड के साथ कभी भी आप सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे. ओके तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, डिड सबसे पहले आ जाएगा. देखिए मैं फिर बताऊं, इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में. एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो डिड से स्टार्ट होगा इस टेंस में, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होना होगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड का यूज होगा. क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड का यूज होगा. ठीक है बेटा. देखो बाबू, यदि वीडियो को ध्यान से सुनोगे तब तो कुछ सीखोगे, नहीं सुनना चाहोगे तो जिंदगी भर नहीं कुछ सीखोगे. ये सब बेसिक चीजें हैं, बताई जा रही हैं बाबू, बहुत प्रेम से मैं बता रही हूं. प्लीज आप लोग अटेंटिव होके वीडियो को दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए बेटा, नॉलेज होगा आपको. नेक्स्ट आइए देखिए, ये जानकारी भी दी गई है. डिडंट मींस डिड नॉट. इसमें क्या किया गया, डिड नॉट में क्या रिमूव हुआ है? एंड इसके पास चला गया है. जानते हो क्यों एंड इसके पास चला गया है? क्योंकि ये ओ ने इसका साथ छोड़ दिया एन का, और ओ भूत बन के चढ़ गया है एन के सिर पर. तो एन डर गया तो वो आ गया डिड के पास. बात आई समझ में ना? देखो ओ गायब है डिडंट में. ओ क्या हुआ? ओ ने अपना रूप बदल दिया, वेश बदल दिया, कॉमा के रूप में हो गया. अब एन को डर लग गया तो एन जो है वो डिड के पास आ गया. ठीक ना? और अभी हमने बताया नहीं, इन्वर्टेड जो है वो चढ़ गया एन पर, और ओ गायब हो गया है. एक्चुअली ओ गायब हुआ है ना, तो ओ की जगह ही ओ ने ही वेश बदल के ये कॉमा देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा, तो क्लोज नहीं है, सिंगल कॉमा है. इसने, इस ओ ने इस कॉमा का रूप ले लिया और एन के ऊपर चढ़ गया, एन को डर लग गया, एन उसके पास चला गया, फिर डी के, फिर टी को भी डर लगा, टी भी थोड़ा खिसक गया इधर की ओर, है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, एन के ऊपर ये कॉमा लगा है. ठीक है, देख रहे हैं ना? अब देखिए क्या है, अब यहां पर है सेंटेंसेस दिए हुए हैं. दिया है कि रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवेन इन ब्रैकेट्स. ठीक है, तो वर्ब दिया हुआ है सेंटेंस में, हर सेंटेंस में बीच में वर्ब दिया हुआ है. इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग को यूज करना है, और सेकेंड फॉर्म यूज करके हमें सेंटेंस को लिखना है. देखिए, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट. अब देखिए, जैसे है प्रिया सब्जेक्ट है, तो प्रिया तो आप लिख लीजिए वैसे का वैसे ही. ठीक है, इसके बाद क्या है, इनवाइट का सेकेंड फॉर्म देना है, तो इनवाइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड. ठीक है, इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, अब सब कुछ वही, हर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी. एक मैं पूरा करी के बता दूं आपको, हर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी. ओके बेटा, ये हो गया आपका. अब आपको क्या करना है, देखिए द सर्वेंट ब्रेक द प्लेट, तो आप क्या करोगे, द सर्वेंट ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोक. तो आप लिखोगे द सर्वेंट ब्रोक द प्लेट. अनुज विन द मेडल इन द डिबेट, तो अनुज वोन द मेडल इन द डिबेट. माई अंकल सेल हिज ओल्ड कार, तो माई अंकल सोल्ड हिज ओल्ड कार. आपको पूरा पूरा सेंटेंस लिखना जैसे मैंने ये लिखा है. द बेबी लूज हिज टॉय, द बेबी लॉस्ट हिज टॉय.
शी स्पेंड हर सेविंग्स ऑन हर चिल्ड्रेन, शी स्पेंट हर सेविंग्स ऑन हर चिल्ड्रेन, टी हो जाएगा डी की जगह सेकेंड फॉर्म में. द फार्मर ग्रो क्रॉप्स एंड फ्लावर्स इन हिज फील्ड, द फार्मर ग्रू, कैच का हो जाएगा कॉट. सब कुछ वही करना है, केवल जो ये ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म दिया है इसकी जगह आपको सेकेंड फॉर्म कर देना है. टेल का टोल्ड, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, स्वीप का स्वेप्ट, फॉल का फेल. और कंप्लीट सेंटेंस राइटिंग करिएगा, ये नहीं कि मेरी तरह कर दीजिएगा, एक मैंने करके आपको बता दिया है. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. एग्जांपल करके दिया गया है, देखिए सुनिए. द बेबी क्राइड फॉर फूड, क्या करना है आप सीखिए. पहले सब्जेक्ट है द बेबी, इसको लिख लीजिए. इसके बाद आपने स्ट्रक्चर देखा है कि नेगेटिव बनाने में पहले हम लोग नेगेटिव ही बना रहे हैं. ठीक है, यहां लिख दीजिए. नेगेटिव बनाने में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज होगा, डिड नॉट का यूज कर दीजिए. इसके बाद जो क्राइड है वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब फर्स्ट डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड नॉट क्राई फॉर फूड. ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप डिड को पहले ले आएंगे. ठीक है, डिड, अब द बेबी आएगा सब्जेक्ट, डिड द बेबी, डिड के बाद द बेबी आ गया, इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड द बेबी क्राई फॉर फूड. और इसके बाद आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, नाउ टर्न ओवर द पेज. द थीफ स्टोल द कार, देख रहे हैं, द थीफ स्टोल द कार, तो क्या हो जाएगा. द थीफ पहले लिखिए, सब्जेक्ट लिखे, इसके बाद लगा दीजिए. देखिए नेगेटिव बना रही हूं मैं, पहले ध्यान दीजिए, पहले हम लोग नेगेटिव बनाएंगे फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे. ठीक है ना, तो द थीफ नेगेटिव में डिड नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद. उसके बाद जो स्टोल है इसका फर्स्ट फॉर्म स्टील आ जाएगा, द थीफ डिड नॉट स्टील द कार. फिर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा डिड द थीफ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डिड द थीफ स्टील द कार, फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, बहुत इजी है बेटा. अब देखिए, अब बनाते, द पियोन लॉक द डोर, तो पहले सब्जेक्ट लिख लिया द पियोन. ठीक, इसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, लगा दीजिए, लॉक्ड का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे द डोर. इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा डिड द पियोन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड द पियोन लॉक द डोर, और क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे. फिर देखिए नेगेटिव आप बना रहे हैं, शी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, विजिट फर्स्ट फॉर्म हो गया, हर फ्रेंड्स हाउस. देखिए भाई यही लगता है ना, जैसे मैं डॉट करके छोड़ती हूँ तो आप भी छोड़ देते हैं, तो बेटा ऐसा ना करिए, बड़े आप लोग बच्चे हैं, समझिए उस चीज को. फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, डिड पहले आ गया, डिड शी विजिट हर फ्रेंड्स हाउस करके क्वेश्चन मार्क लास्ट में कर देंगे. ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखिएगा बेटा. नेगेटिव फिर बनाना है, द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट है इसमें, द लिटिल गर्ल, डिड नॉट आ जाएगा नेगेटिव में, द लिटिल गर्ल डिड नॉट. स्टूड जो है वो स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, स्टैंड ऑन द बेंच. अब इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड द लिटिल गर्ल स्टैंड ऑन द बेंच, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क. अब देखिए ये है द लेडी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लाना है नेगेटिव में, डिड नॉट ले आना है. टर्न्ड का फर्स्ट फॉर्म टर्न हो जाएगा, टर्न ऑफ द टैप. इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है आपको,
डिड पहले आ जाएगा, डिड द लेडी टर्न ऑफ द टैप क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से करना है। हाँ, फर्स्ट फॉर्म मैं आपको बता देती हूं सबका। ड्रू का फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रॉ, लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है लीव, मेल्टेड का फर्स्ट फॉर्म होता है मेल्ट, फाउट का होता है फाइट और वेंट का होता है गो। और बेटा तरीका खूब मैंने समझा दिया, वीडियो देखेंगे समझ में आएगा, नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो समझना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए और यहां तक आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।